दोस्तों, अपने हाई आईक्यू होने के बावजूद भी इस छोटे लड़के को पर्याप्त अप्रिशिएट नहीं मिलता है क्योंकि वो एक अनाथालय में रहता है। हालांकि वो अपने असली माँ को खोजने के लिए साइंस का उपयोग करने के लिए इच्छुक है। एक अंधेरी रात में एक रहस्यमय महिला अपने छोटे बच्चे को अनाथालय के दरवाजे पे छोड़ जाती है। जब मिलर नाम की औरत उस अनाथालय से दरवाजा खोलती है तो उसे बाहर एक छोटे बच्चे के अलावा कोई नहीं मिलता। मिलर ने उसे प्यार से पाला और उसका नाम लुइस रखा। वह हाई आईक्यू वाला एक स्पेशल बच्चा था। लुइस को नए डिवाइस का इन्वेंशन करना पसंद है। हो सकता है उसके पास अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेस ना हो, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं रोका जा सकता। वह अभी अपनी मूंगफली के मक्खन और जेली फैलाने वाली मशीन पर काम कर रहा है। मिलर ने उसे रोका क्योंकि एक परिवार लुइस से मिलने आया था। छोटा लड़का एक्साइटेड होकर अपना नया इन्वेंशन दिखाता है। वो समझाता है कि उसका डिवाइस बिल्कुल सही फैला सकता है मूंगफली का मक्खन और जेली की मात्रा को, लेकिन जब वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये काम कर रहा है तो डिवाइस खराब हो जाता है और पूरा कमरे में रायता फैल जाता है। वहाँ मौजूद आदमी को मूंगफली से एलर्जी है और उसे गंभीर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। उसकी पत्नी उसे दूर ले जाती है और मिलर से कहती है कि वो लुइस जैसे पागल बच्चे को अपनाना नहीं चाहती। मिलर बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और उसे बताती है कि वह परिवार इतना भी भाग्यशाली नहीं था कि लुइस की पीनट बटर सैंडविच का स्वाद चख सके। हालांकि ये 124वां परिवार था जिन्होंने लुइस को रिजेक्ट कर दिया। जल्द ही लुइस 13 साल का हो जाएगा और एक टीनेजर के लिए गोद लेना असंभव है। लुइस को अनाथालय में छोड़ने के लिए उसने अपनी माँ को दोषी ठहराया, लेकिन मिलर का कहना था कि उसे नफरत उसे नहीं करना चाहिए, शायद उसकी माँ के पास कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन लुइस ने कंक्लूशन निकाला कि केवल उसकी असली माँ ही है जो उसे एक्चुअल में चाहती है, वह उसे ढूंढ लेगा। लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन लुइस ने एक छोटे बच्चे के रूप में ऐसा किया था। उसने अपनी माँ की तस्वीर पाने और उसका पता लगाने के लिए एक मेमोरी स्कैन डिवाइस का इन्वेंशन करने का फैसला किया। लुइस इस प्रयास में दिन और रात बिताता। वह रैंडम वस्तुओं को पकड़ लेता अपने बड़े इन्वेंशन को बनाने के लिए अनाथालय और उसके स्कूल से। वह ब्रेन की वर्किंग सिस्टम के बारे में पढ़ता और ज्यादा जानकारी लेने के लिए वह ब्रेन की सर्जरी का विटनेस भी बनता। स्कूल में एक साइंस फेयर अनाउंसमेंट होती है जिसमें लुइस अपने स्कैनिंग मशीन का साइंस फेयर में पेश करने का फैसला करता है। उसे ये साबित करना था कि उसके सभी इन्वेंशन फेल नहीं होते। लुइस ने साइंस फेयर के दिन ही अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, इसलिए उसे टेस्ट करने के लिए मौका नहीं मिला और वह स्कूल डिवाइस लेकर भाग गया। जब वह अपना मशीन सेटअप कर रहा था, एक अजीब दिखने वाला लड़का विल्बर रॉबिन्सन उसकी तलाश में आता है। वो चाहता है कि लुइस सतर्क रहे क्योंकि बॉलर हैट नाम का एक व्यक्ति उसके पीछे पड़ा है। अचानक विल्बर की नजर एक अननोन व्यक्ति पर पड़ती है और वह उसके कपड़े को खींचता है, लेकिन ये सिर्फ एक स्टूडेंट निकला। इसी बीच एक्चुअल बॉलर हैट डोरेसा नाम की एक रोबोटिक टोपी को भेजता है जो कि लुइस के इन्वेंशन के साथ छेड़छाड़ करे। डोरेसी कुछ स्क्रू को हटा देती है और चुपचाप भाग जाती है। जब जजेस लुइस की टेबल पे पहुंचते हैं तो स्कैनिंग मशीन खराब हो जाती है और पूरा साइंस फेयर बर्बाद हो जाता है। लुइस हार मान लेता है और निराश में साइंस फेयर छोड़ देता है, जबकि उसकी मशीन बॉलर हेड गाय चुरा ले जाता है। लुइस छत पर बैठकर अपने जीवन विकल्प पर पुनः विचार करता है। वो महसूस करता है कि वो बचा हुआ जीवन एक कमरे में बंद करके बिताना चाहता है, लेकिन विल्बर फिर उसके पीछे आता है। वो बताता है कि वास्तव में वो 30 साल आगे से भविष्य आया है और उसे टाइम मशीन इस्तेमाल किया है। बॉलर हेड गाय लेटेस्ट टाइम मशीन चुरा लिया है और वो लुइस के इन्वेंशन के साथ गड़बड़ करने के लिए वापस आया है, इसलिए लुइस को अपने स्कैनिंग मशीन और विल्बर के टाइम मशीन को वापस लाने के लिए उसे साइंस फेयर वापस जाना होगा। और लुइस एक शर्त पर ऐसा करने के लिए मान जाता है। विल्बर को यह साबित करना होगा कि वो भविष्य है। विल्बर भी मान जाता है और लुइस को अपने टाइम मशीन में ले जाता है जो एक उड़ने वाला जेट प्लेन की तरह दिखता है। कुछ ही सेकंड में लड़का 30 साल आगे की यात्रा कर लेता है। आश्चर्य की बात है कि दुनिया काफी विकसित हो गई है। टेक्नोलॉजी के प्रगति में लुइस को सरप्राइज कर दिया। विल्बर पूछता है कि क्या वह अब साइंस फेयर में वापिस जा सकता है, लेकिन लुइस की एक और मांग थी। वह अतीत में यात्रा करना चाहता है और अपनी माँ को ढूंढना चाहता है, लेकिन विल्बर ने इसे मना कर दिया। लुइस ने टाइम मशीन पर कंट्रोल लेने की कोशिश करी और वह गलती से क्रैश हो गया। विल्बर ने लुइस से उसे ठीक करने की मदद करने की रिक्वेस्ट की। मशीन के बदले वह उसकी माँ को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। इसी बीच बॉयलर हाइट गाय जो स्कैनिंग मशीन को एक बड़े वैज्ञानिक संगठन में ले गया, उसे मशीन का पेटेंट बेचने का योजना बनाई, लेकिन वह मशीन की वर्किंग सिस्टम को समझाने में विफल रहा क्योंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। बॉयलर हेड को कंपनी के बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसकी अगली योजना भविष्य में लुइस को खोजना था। विल्बर लुइस को अपने घर के गैराज में ले जाता है
और उसे हेल्पिंग रोबोट कार्ल से मिलवाता है। विल्बर मशीन की ब्लूप्रिंट लाने के लिए जाता है, लेकिन लुईस नहीं आता। वह गैरेज में इंतजार नहीं करना चाहता और ट्यूब लिफ्ट में से एक वह चढ़ जाता है। यह लिफ्ट लुईस को गार्डन में ले जाता है, जहां की मुलाकात उसके दादाजी से होती है, जो लुईस को गैरेज में वापस जाने में मदद करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसे सभी रास्ते याद नहीं थे, लेकिन चलता रहता है। दूसरी ओर इधर उधर भटकते हुए विल्बर ने कार्ल से उसके ब्लूप्रिंट देने की रिक्वेस्ट की, ताकि वह अपने पिता के बिजनेस यात्रा से लौटने से पहले सब कुछ ठीक कर सके। कार्ल सहमत हो गया, लेकिन उसने विल्बर से चेतावनी दी कि समय के माध्यम से बार बार यात्रा करने से गंभीर परिणाम हो सकता है। विल्बर लुईस के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो पहले से ही मिल चुका था विल्बर के परिवार के सभी सदस्यों से। उसके पिता को छोड़कर वह सभी काफी अजीब है। लेकिन एक ही समय में इसी बीच बॉयलर हाइड गाय लुईस को खोजने के लिए अनाथालय पहुँचता है, लेकिन केवल लुईस के रूममेट माइकल से मिलता है। वह काफी उदास लगता है, क्योंकि वह लुईस के कारण कई दिनों से सोया नहीं था। लगातार अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रहने के कारण उसने एक कैच छूट गया और वह अपना बेसबॉल खेल हार गया। बॉलर हेड गाय को छोड़ लड़का पर दया आई और उसे कड़ी मेहनत करने की सलाह दी और बाद में उसे खुश किया। बॉलर हेड गाय वहां से चला गया और भविष्य में जाने के लिए टाइम मशीन का उपयोग किया। लुईस दूसरी टाइम मशीन पर काम कर रहा था, लेकिन उसके लिए बहुत जटिल था। लेकिन विल्बर उससे एक ही बात कहता, आगे बढ़ते रहो। ये विल्बर के डैड के मोटो था, जिन्होंने उसे अपने लक्ष्य में और बढ़ने के लिए एंकरेज किया। वो दुनिया के लिए लीडिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड डिजाइनिंग फैक्टर के सीईओ हैं। रॉबिन्सन इंडस्ट्री, उन्होंने सभी टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन किया जिन पर वर्तमान दुनिया आधारित है, जिसमें टाइम मशीन भी शामिल है। दुर्भाग्य से विल्बर ने गलती से यह गैराज का गेट खुला छोड़ दिया और मशीन चोरी हो गई। उसे अपने पिता के लौटने से पहले उसे वापस लाना होगा। उसके पिता वास्तव में एक डेडिकेटेड व्यक्ति हैं। कभी कभी उन्हें कई समय लग जाता है कि इन्वेंशन को कंप्लीट करने के लिए। उन्हें सैकड़ों प्रयास किए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लुईस टाइम मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है और वो पहले टेस्ट ड्राइव लेने के लिए कोशिश करता है। यह बहुत बुरी तरह से एंड होता है और लुईस हार मान लेता है, लेकिन विल्बर उसे आगे बढ़ते रहने का याद दिलाता है। अचानक उसकी माँ उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठते हैं और उनमें से बहुत अच्छा रिश्ता है। उनमें से प्रत्येक की एक अजीब आदत होती है। उनके पास मूंगफली का मक्खन और जेल सैंडविच मेकर भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह टूटा हुआ है। विल्बर लुईस को ठीक करने के लिए इंकरेज करता है, लेकिन वह असफल होता है। लेकिन आश्चर्य रूप से रॉबिन्सन ने सेलिब्रेट मनाना शुरू कर दिया। उनका मानना है कि आप सफलता की तुलना में विफलता से अधिक सीखते हैं। रॉबिन्सन निश्चित रूप से लुईस के लिए एक आदर्श परिवार है। जब वह डिनर कर रहा होता है, बॉलर हेड गाय घर के बाहर पहुंचता है और अपने अगला कदम का योजना बनाता है। डोरेसा ने खुद का एक छोटा सा क्लोन बनाया और अपना कंट्रोल दे दिया। लड़के को किडनैप करने के लिए वह उसके अपने माँ के पालतू मेंढक में से एक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वह मेंढक को लुईस को लाने का आदेश देता है, लेकिन वह छोटा पालतू जानवर ऐसा करने में असमर्थ होता है। बॉयलर हेड गाय किसी अन्य विषय को खोजने के लिए चारों ओर देखता है और दिमाग को कंट्रोल करने वाली टोपी एक डायनासोर पर रखता है। फिर यह डायनासोर घर पर हमला करता है और लुईस को निशाना बनाता है, लेकिन रॉबिन्सन लड़के को अकेला नहीं छोड़ते। वह डायनासोर से लड़ने के लिए अपने रोबोट और जेट लाते हैं। पिज्जा वाला डायनासोर को लाते पनीर में ढक देता है, लेकिन जानवर फिर से भाग जाता है। वह लुईस के पीछे भागता है, लेकिन अपने छोटे हाथों के कारण डायनासोर लुईस को नहीं पकड़ पाता। विल्बर ने डायनासोर पर रोबोट की टोपी देखी और उसे गिरा दिया। लुईस बच गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि रॉबिन्सन ने उसे कितना देखभाल की। वह चाहता था कि उसका भी उनके जैसा परिवार होता। ये जानकर कि लुईस अक्सर रॉबिन्सन होता, उसे गोद लेने की इच्छा दिखाई। लुईस तुरंत हाँ कह देता है, लेकिन विल्बर याद दिलाता है कि वह अतीत से आया है। उसे जवाब में अपने समय में वापिस जाना होगा। लुईस विल्बर को वह वादा याद दिलाता है जो उसने अपनी माँ को खोजने के बारे में की थी। विल्बर कहता है कि उसने इसके बारे में झूठ बोला था। लुईस गुस्से में वहाँ से भाग जाता है और एक कोने में छिप जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात बॉलर हेड से होती है, जो लुईस को माँ को ढूंढने में मदद करने का ऑफर करता है अगर वह उसे स्कैनिंग मशीन के बारे में बताता है तो। लुईस मान जाता है और मशीन का वर्किंग सिस्टम के बारे में बताता है, लेकिन उसका मानना है यह भी फेल हो जाएगा अपने बाकी इन्वेंशन की तरह। उसे आश्चर्य होता है कि बॉलर हेड को इनमें इतने दिलचस्पी क्यों है। दुष्ट आदमी ने फाइनली अपना असली पहचान बताया। वह साइंस फेयर के दौरान माइकल लुईस का रूममेट है।
लुईस की स्कैनिंग मशीन सफल साबित हुई, वह प्रसिद्ध हो गया, उसे एक अच्छे परिवार में अपनाया गया, अपना खुद का बिजनेस बनाया। वह विल्बर के पिता और रॉबिन्सन इंडस्ट्री के सीईओ हैं। इसी बीच माइकल अपना बेसबॉल मैच हारने के बाद स्ट्रेस में आ गया और डिप्रेशन हो गया, और कोई भी परिवार उसे गोद लेना नहीं चाहता था। अनाथालय बंद हो गया और केवल माइक ही वहां रह गया। एक दिन उसे एहसास हुआ कि लुईस उसके दुखी जीवन का कारण है, और वो बदला लेना चाहता था, और वो डोरेसा से मिला जो लुईस के इन्वेंशन में से एक था, लेकिन यह असफल रहा, इसलिए लुईस ने डोरेसा के साथ मिलकर उसे छोड़ दिया। माइकल ने लुईस के भविष्य को बर्बाद करने और अपना खुद का भविष्य बनाने के लिए समय में वापस यात्रा की और लुईस को बांध दिया, लेकिन विल्बर उसे बचाने के लिए आता है और लुईस से टाइम मशीन को ठीक करने का प्रयास करने के लिए विनती करता है, लेकिन लुईस को अभी भी खुद पर भरोसा नहीं है। विल्बर कहता है कि वह एकमात्र आशा है और उसके बाद वह गायब हो जाता है। सब कुछ बदल रहा था, यह माइकल के कारण था, इसे अतीत को बदल दिया। उसने लुईस के इन्वेंशन को अपना दावा बनाया, लेकिन डोरेसा ने उसे धोखा दिया, उसे सिर्फ बड़े पैमाने पर क्लोन करने और पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसका उपयोग कर रहा था। अब भविष्य में सभी मनुष्य भविष्य को ठीक करने के लिए डोरेसा के कंट्रोल में है। अपना प्रेजेंट को सुधारने के लिए वह टाइम मशीन में बैठ जाता है और उसे ठीक करने के लिए अपना बेस्ट प्रयास करता है। सरप्राइजली इस बार काम कर जाता है और टाइम मशीन चल जाती है और वह समय में वापिस चला जाता है। डोरेसा उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लुईस इसका इन्वेंशन का निर्णय लेता है, इसलिए यह समय में गायब हो जाता है। इसके बाद वह माइकल को ले जाता है और दिखाता है कि भविष्य का क्या हुआ, क्योंकि उसने डोरेसा पर भरोसा किया था। माइकल को अपनी गलती पर एहसास हुआ और उसने अपना बुरा काम छोड़ दिया। भविष्य ठीक हो गया और लुईस अपने खुद के बड़े रूप से मिलता है और लुईस को अपनी प्रयोगशाला दिखाता है और उसे आगे बढ़ने की सलाह देता है। लुईस अपनी यात्रा पर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन विल्बर अपना वादा पूरा करना चाहता है। वह लुईस को अतीत में ले जाता है ताकि वह अपनी असली माँ को देख सके। लुईस उसे जानने से बस कुछ ही इंच दूर था, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। उसने आखिरकार अतीत को छोड़ देने का फैसला किया। वह हमेशा एक परिवार चाहता था, लेकिन अब वह जानता है कि वह जल्द ही इसे प्राप्त कर लेगा। विल्बर को अलविदा कहने के बाद लुईस साइंस फेयर में भाग जाता है, लेकिन रास्ते में वह माइकल को उसके खेल में मदद करने के लिए रुक जाता है। फिर वह जजेस से अपने साइंस प्रोजेक्ट का प्रदर्शन करने का दूसरा मौका मांगता है। टीचर उसकी शादी के दिनों के मेमोरीज को दिखाने के लिए बहादुरी से आगे आती है। स्कैनिंग मशीन काम करती है, उससे लुईस को पूरे स्कूल में प्रशंसा होती है। से ये भी पता चलता है कि विल्बर के दादा दादी वास्तव में लुईस के टीचर्स थे, जो उसे गोद लेने के लिए तैयार थे, और उसकी पत्नी वास्तव में उसकी अजीब स्कूल साथी है। लुईस के माता पिता एक बड़े प्रयोगशाला के व्यवस्था करते हैं, जहां वह जितना चाहे इतना इन्वेंशन कर सकता, जहां वो कितना बार भी असफल हो वह कभी हार नहीं मानेगा। हमें बहुत लंबे समय तक पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। आगे बढ़े, नए दरवाजे खोलें और नए चीजों करने की कोशिश करें। हम सभी जिज्ञासु हैं और जिज्ञासा हमें नई राह पर ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको वास्तव में इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करें कि आपको किस फिल्म के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं।